पिछले हफ्ते दारुल देवबंद की छांव में एक जमात ने अपना बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उसमें पूरे मुल्क की इधर की उधर की फलां की तलां की बातें करते रहे, लेकिन उन करारदादों के अंदर कहीं एक लफ्ज़ ये नहीं लिखा कि हमारी कौम में एक बुज़ुर्ग बंदा है, हमारी कौम में एक शरीफ आदमी है, हमारी कौम का एक दाई है जिसका नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी है, जिस पर मुकदमा झूठा पड़ गया। हुकूमत को एक दफ़ा उस कर इस इजलास के अंदर एक दफ़ा इन मौलवियों ने करारदाद पेश करके हुकूमत को नहीं कहा कि हमारी बात सुननी चाहिए, हमारे साथ ज़्यादती हुई। लेकिन दावा है कि हम हमदर्द हैं कौम के, ये दावा लेकिन पूरा रखिएगा। और आप भी माशाल्लाह उनसे सिर पे हाथ फिरवाते रहे, 500 के नोट मुसाफों में देते रहिए, हटिएगा नहीं उस वक्त तक जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आ जाए कि इनकी जगह दूसरे बंदे लाओ। कायद वो होता है जो अहले इक्तदार के सामने, जो हुक्मरानों के सामने अपनी कौम के दुख दर्द को रख सके। चमचों और लीडरों में फर्क होता है। हुकूमत को चमचों की जरूरत नहीं होती, हुकूमत कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, चमचे तो जब कहीं सरकार बनती बहुत सारे आ जाते। लेकिन आपको ये राज की बात बताऊं, हुकूमत को चमचों की जरूरत नहीं होती, हुकूमत को लीडरों की जरूरत होती जो आके बता सके उनको कि जमीन पर क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तुम यार बात करते हो ईमान की, बात करते हो अपनी देश की मिट्टी की, बात करते हो प्यार और मोहब्बत की, लेकिन जमीन से ऊपर आसमान के नीचे दरमियान की ऐसी बात करते हो ना, जहां हमारे पल्ले पड़ रही ना सरकार के पल्ले पड़ रही है। अगर आप ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, तो आपको अपने काम करने से पहले नुमाइंदा, अगर मुसलमानों का नुमाइंदा बनना है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बनना होगा, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नुमाइंदगी करनी होगी। आज बस जुमे में इरादा पहले था कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ और वाक़यात पेश करूँगा, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ़्ते से लगातार यही बयानात सुन रहा था तो दिल में आया कि कम अज़ कम अपनी कौम के जो बड़े हैं उनको गुजारिश ही कर दूँ कि हज़रत अगर आप वाकई इत्तफाक़ की बात करते हैं तो हमें तो आप सारे के सारे बड़े अकाबिर हजरात, जितने बड़े अकाबिर उलमा हैं, जड़े बड़े अकाबिर मुसलमान लीडरान हैं, हमने तो इनको अभी तक एक स्टेज के ऊपर नहीं देखा है, हमने इनको एक स्टेज पर नहीं देखा। ये बातें इत्तफाक़ की तब होती हैं जब अमली तौर के ऊपर इसका नतीजा किया जाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई है हमें कि आपस में ना इत्तफाकी ना करें। मुसलमानों को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें अता फरमाई जो पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मोहब्बत की अलमबरदार हैं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए फलाह बहबूद की अलमबरदार हैं, पूरी दुनिया में जुल्म और सितम के खात्मे के लिए, पूरी दुनिया के मजलूमों की मदद के लिए फ़ायदेमंद हैं। और ये इतने कमजोर हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी हो तो उस पर भी कुछ नहीं बोलते, जबकि इनको पता है कि पूरी कायनात में मुसलमानों को अपनी जान से, माल से, हर शय से ज्यादा अगर कोई कीमती हमारे नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते किराम। मैं हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ कि ये बोलें या ना बोलें, हम आपको भी बताना चाहते हैं, मुसलमानों को तमाम बातें मंजूर हो सकती हैं, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी मंजूर नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है जो जिस इलाके में रहते हैं कि जो मुसलमान लीडर, जो मुसलमान मौलवी इत्तफाक़ की बात करे तो पहले उसके किरदार में देखें कि क्या वाकई इसमें कोई इत्तफाक़ वाली बात है भी कि नहीं है। अगर ये मसलक के अंदर ना इत्तफाकी में फंस गया,
अगर ये जात बरादरी में ना इत्तफाकी में फंस गया, जो अपने घर में एक जमात के दो टुकड़े करके बैठे हो वो इत्तफाक की बात करते हैं, जो मसलक की बुनियाद पर दूसरे को गैर मुस्लिम करार दे दें वो भी इत्तफाक की बात करते हैं। हैरत अंगेज गुफ्तगू है इन हजरात की, जिनको जिम्मा दिया गया कि हम आपको अपना इमाम बनाते हैं, आप अपना आपको अपना कायद बनाते हैं, तो वो सिर्फ दावतें उड़ाते हैं, वो दुख दर्द की बात ही नहीं करते, वो परेशानी की बात ही नहीं करते। बंदा वही है जो दुख दर्द के अंदर दूसरे की तकलीफ को समझे। घर का बड़ा तो उसी को कहते हैं ना जी, हर बंदा उसके पास जाता है, अपना दुख बताता है, तकलीफ बताता है। और जब घर बहुत बड़ा हो, जो ये मुल्क भी एक घर का दर्जा रखता है, अगर ये मुल्क इतना बड़ा है और इस घर का जो बड़ा है उसके पास कोई बंदा पहुंचे ही ना अपनी कौम का दुख दर्द लेने के लिए, दूर दूर ही शोर मचाता रहे, अखबारों के अंदर ही शोर मचाता रहे, तो मैं ये समझता हूँ फिर वो बंदा अपनी कौम का बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों से गुजारिश है कि अगर आप बार बार आपको धोखा खाने की आदत ही पड़ गई है तो फिर ये धोखा आप ही को मुबारक हो। जो लोग बार बार एक सुराख से डसे जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, ज़ोर से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। बड़ी प्यारी बात है जो आपको बताने लगा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक सुराख से, सुराख एक है ना, जो एक सुराख से बार बार डसा जाता हो वो ईमान वाला हो नहीं सकता। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखुरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।